नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10वीं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 और उसमें है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो कल भी हमने कुछ ये शुरुआत की थी, आज उसको आगे बढ़ाएंगे और दोबारा फिर एक बार जो सर्वसमीकरण हैं उनके लिए जो उन्हें भी हम सर्वसमीकरण कहेंगे, वैसे आप उनको फार्मूला कह सकते हैं, संबंध कह सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात एक बार फिर देखेंगे। पहला है किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा जो है वो एक होगा और इसकी दो फॉर्में और बन जाएंगी। वो कैसे? जैसे साइन स्केयर को एक की ओर ले जाओ तो इधर रह जाएगा कोस स्केयर और इधर एक है और ये साइन स्केयर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये भी इसी का रूप है। एक रूप और कर सकते हैं हम इसका, क्या कर सकते हैं कि कोस स्केयर थीटा को इधर ले आओ तो इधर रह जाएगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर्वसमिका या फार्मूला या संबंध है, कोस और साइन में कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें ये संबंध होगा जी। ये यानी इसका अर्थ ये है कि कहीं पर भी आपको ये आए तो आप एक लिख सकते हैं, कहीं एक लिखा हुआ तो उसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं कोस स्केयर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह 1 माइनस साइन स्केयर थीटा लिख सकते हैं, और ये लिखा हो तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, एक ही बात है। और इसी तरह तीसरा, दूसरी है 1 जमा टेंजेंट स्केयर थीटा बराबर होता है सेक स्केयर थीटा। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी कितने भी डिग्री की समकोण त्रिभुज हो न्यून कोण उसमें इसी का ये एक रूप क्या हो जाएगा। मान लिया आप 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्केयर थीटा बराबर इधर है सिकेंट स्केयर थीटा और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। या आप ये करें कि टेंजेंट स्केयर इधर ले आए तो इधर 1 रह जाएगा और क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू बराबर सेक स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। तीसरी जो सर्वसमिका है जो आपको याद करनी है, 1 जमा कोट स्केयर थीटा बिल्कुल इसी तरह चलेगी, तो सिकेंट की बजाय हो जाएगा कोसेक स्केयर थीटा। और उसी तरह जैसे इसमें क्या है कि 1 को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा ये कि इधर रह जाएगा कोट स्केयर थीटा बराबर, तो इधर पहले है कोसेक स्केयर थीटा यानी कि कोसिकेंट और ये एक इधर आके माइनस का हो जाएगा। या क्या करें आप, एक इधर ही रखें कोट स्केयर को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर होगा कोसेक स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। अर्थ ये है कि इनको आपको कहीं भी जरूरत पड़ने पर जैसे ये लिखा हुआ उसकी जगह 1 रिप्लेस कर सकते हैं आप, या 1 लिखा हो तो ये कर सकते हैं। चौथा है कि यदि हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग दें किसी भी समकोण त्रिभुज में ये दोनों निकाल के, तो उसका मान जो है वो क्या किसके बराबर आएगा, टेंजेंट थीटा जी। और इसका उल्टा यदि कोस थीटा को साइन थीटा से भाग दें तो ये होगा कोट थीटा जी। पांचवा क्या है कि जो साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल या उल्टा होता है, 1 बटे कोसिकेंट थीटा का जी। इसी प्रकार जो कोसिकेंट थीटा है वो होता है 1 बटे साइन थीटा। ये तो हुआ साइन के बारे में, और जो टेंजेंट है टेंजेंट थीटा वो होता है 1 बटे कोट थीटा। इसी प्रकार जो कोट थीटा होता है वो होता है 1 बटे टेंजेंट थीटा, और जो कोस थीटा है वो होता है 1 बटे सिकेंट थीटा, या आप यूं कह सकते हैं कि जो सिकेंट थीटा होता है वो 1 बटे कोस थीटा होता है, यानी उल्टे होते हैं ये। सिकेंट थीटा होता है कर्ण बटे आधार, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो उल्टा हुआ उसका। कैसे हुआ कि जो सिकेंट थीटा है वो क्या हुआ, वो हुआ कर्ण बटे आधार। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कर्ण को इसके नीचे लिख सकते हैं तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे आधार लिखा हुआ है और ये कर्ण जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाद में कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो क्या बन गया ये, 1 बटे
कोस थीटा जी। तो ये जो आपकी 8.4 एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन या एक सर्वसमिका लगभग हर बार आती है आपके एनुअल एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को ये टफ भी लगते हैं, हालांकि बड़े आसान है। यदि आपको ये याद है तो आपको सिर्फ यही बदलने हैं इनमें कि ये लिखा हुआ है, ये कर दिया, ये लिखा हुआ, ये तो वो जैसी सिचुएशन होगी, जैसी हमारी ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो वो करेंगे। ये पांच ही सर्वसमिकाएं हैं। यदि आपको ये याद है तो आप पूरी 8.4 एक्सरसाइज की जितनी सर्वसमिकाएं हैं सारी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम चौथे क्वेश्चन का तीसरा भाग करेंगे। उसमें कहता है ये कि सिकेंट ए जमा टेंजेंट ए को गुणा करें 1 - sin a से, तो वो गुणा कितनी आएगी। नीचे चार उत्तर लिखे हुए इसने कि सिकेंट ए आएगा, साइन ए आएगा, कोसिकेंट ए आएगा या कोस ए आएगा। देखते हैं, ये जो सिकेंट ए है इसकी जगह आप ये लिख दें 1 / cos a। ध्यान देंगे ये कि एंगल जैसे हमने यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ ए है तो ए ही लिखेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि जैसे ये आपकी समकोण त्रिभुज है तो ये एंगल थीटा है, थीटा लिखेंगे, और यदि एंगल ए है तो ये ए यहाँ यूं भी लिख सकते हैं या इसको भी ए कह सकते हैं हम। तो जो भी है वही एंगल लिखेंगे। अर्थ एक ही है इसका कि ये इस कोण को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो सिकेंट ए ये लिखा हुआ है 1 / cos a और टेंजेंट ए ये लिखा हुआ है 1 / cos, साइन ए बटे कोस ए। और इधर इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 - sin a, इन दोनों को जोड़ लें लघुत्तम लेके, तो लघुत्तम आ जाएगा इनका कोस ए, तो एक का एक रहेगा, साइन का साइन रहेगा, और इसको गुणा करना है 1 - sin a। तो इसके नीचे चाहे आप बटा एक कर सकते हैं। अब गुणा करना है तो ऊपर ऊपर यानी अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से गुणा होगा, तो नीचे तो कोस ए कम कोस ए ही आएगा, कोस ए। ऊपर इनको गुणा करें तो गुणा आप सीधा जो हमारी गणितीय सर्वसमिका है ए जमा बी ए माइनस बी, उसकी गुणा होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये गुणा हो जाएगी। अब यहाँ आने के बाद 1 - sin² a ये लिखा हुआ है, 1 - sin² a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos² a लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं cos² a, नीचे है आपका कोस ए, तो एक कोस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, कोस ए बचेगा जी ऊपर। अब इनमें देखें कोस ए कौन सा है, कोस ए जो है वो डी है जी, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा इसमें वो होगा कि डी जो है वो सही उत्तर है, सही आंसर है तीसरे भाग का। चौथा भाग देखते हैं, चौथा भी इसी तरह ऑब्जेक्टिव है। क्या कहता है वो चौथे भाग में कि 1 / tan² a / 1 / cot² a, इनका जो मान है वो किसके बराबर होगा। नीचे चार उत्तर दिए हुए हैं, सिकेंट स्केयर ए होगा, माइनस एक होगा, कोट स्केयर ए होगा, टेंजेंट स्केयर ए होगा। देखते हैं क्या करें आप, 1 / tan² a ये लिखा हुआ है, 1 / tan² θ, तो क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को हम, सिकेंट स्केयर ए, और 1 / cot² ये लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्केयर ए। लेकिन ऐसा तो कोई उत्तर में नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है, इसका मतलब इसको हमें थोड़ा और करना पड़ेगा। और क्या करेंगे कि जो सिकेंट स्केयर ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 / cos² a लिख सकते हैं जी, और जो कोसिकेंट स्केयर ए है ये लिखा हुआ है कोसिकेंट, वो है 1 / sin, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 / sin, ऊपर चला जाएगा और क्या बन गया, ये गुणा कर दें साइन स्केयर ए कम में, ये तो हो गया साइन स्केयर ए, और नीचे हो गया कोस्केयर ए। कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ साइन ए बटे कोस ए का स्केयर हुआ जी, और साइन ए बटे कोस ए क्या है, ये लिखा हुआ है साइन ए बटे कोस ए बराबर होगा टेंजेंट ए, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए। कहने का अर्थ ये हुआ कि टेंजेंट ए का या तो यूं लगा दें आप या यूं स्केयर लगा दें जी, ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है लगाने की, यहां भी इसका भी यही मीनिंग है।
टेंजेंट स्केयर ए उत्तर आया हमारा, और टेंजेंट स्केयर ए जो है वो कहाँ दिया है, इसमें भी डी में दिया हुआ है, इसलिए जो यहाँ पर उत्तर सही आपका वो कौन सा होगा कि जो विकल्प डी है वो सही उत्तर है। तो ये तो छोटी छोटी सर्वसमिकाएँ कह लें आप, या यूं कहें कि कुछ प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए उसने छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए थे, प्रॉब्लम्स बनाई थी। अब जो मेन सर्वसमिकाएँ हैं एग्ज़ाम में जो अक्सर आती हैं वो पाँचवें में, ये 9-10 सर्वसमिकाएँ हैं, 2-3 एग्जाम्पल हैं, तो कुल मिला के ये 12-13 हो जाती हैं, तो ये आने में ज़्यादातर यही आती हैं। तो आज ये शुरू करेंगे हम। पाँचवें का पहला भाग है कि सिद्ध कीजिए कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्केयर और 1 माइनस कोस थीटा 1 जमा कोस थीटा में सब बराबर आएंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में। कोई भी समकोण त्रिभुज बना ली जाए, इसका कहने का अर्थ ये है कोई भी बना ली जाए, ये कोण चाहे कितने का भी है, जैसे इसने यहाँ थीटा लिखा हो कि ये थीटा है, तो इसमें क्या निकाला जाए, कोसिकेंट निकाला जाए। कैसे निकलेगा कोसिकेंट, कर्ण बटे लंब से निकल जाएगा। कर्ण को आप माप लें, लंब को माप लें, उनका अनुपात बना लें तो वो कोसिकेंट होगा। कोट आधार बटे लंब को बोलते हैं, तो इनको माप के बना लें, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा करके इसका वर्ग करें, और उधर से इसमें से कोस थीटा निकाल के 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा निकालें, तो ये दोनों मान हमेशा बराबर आएंगे। ये त्रिभुज चाहे कितने डिग्री की हो, 30 की हो, 45 की हो, 40 की हो, तो आपको ये सिद्ध करनी है। तो इनको हम सर्वसमिकाएँ बोलते हैं। कैसे सिद्ध करते हैं इनको, कि हम ये लेके चलते हैं, इसको बोलेंगे हम बायां पक्ष, क्योंकि ये जो बराबर का निशान है, ये जो आपका यहाँ बराबर है, ये इससे बाई साइड में है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और ये बराबर से राइट हैंड साइड दायां पक्ष है, दाएं हाथ को है, तो इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे, या हिंदी में इसको हम बायां पक्ष कह सकते हैं, और इधर वाले को ये दायां पक्ष कह सकते हैं। तो आप दोनों में लिख सकते हैं। तो क्या करना आपको कि ये शुरुआत करें और यहाँ तक पहुँच जाएं इनका इस्तेमाल करते हुए, या फिर यहाँ से शुरू करें दाएं से और ये करके दिखा दें, तो दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। तो जनरली हम बायां पर, तो कैसे करेंगे हम, बायां पक्ष लेने पर या लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जी, ऐसे ही शुरू करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्केयर बराबर होगा। अब आपको इनमें से जो भी इस्तेमाल करनी होगी वो करते जाएंगे, और इस चीज़ को इसमें बदल के दिखाना है। देखिए कैसे बदलेंगे, कोसिकेंट थीटा में ये लगा दें क्या, 1 बटे साइन थीटा, और कोट थीटा ये लिखा हुआ है, कोट थीटा में ये लिख दें कोस थीटा बटे साइन थीटा, और उसका हो जाएगा स्केयर। आपको चाहिए कि साथ साथ थोड़ा बहुत आप लिखें भी कि आपने कैसे क्या बदला, तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि कोसिकेंट थीटा जो है वो जी 1 बटे साइन थीटा होता है, इसलिए हमने ये चेंज कर दिया, और जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा जी। तो ऐसे सामने आप लिख भी सकते हैं कि हमने इसलिए चेंज किया जी। अब क्या करें, इन दोनों को यहाँ घटाना है, तो लघुत्तम लेके घटा दें जी, तो लघुत्तम आ जाएगा दोनों का साइन थीटा, तो 1 का 1 रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, और इसका हो जाएगा स्केयर। फिर ये स्केयर अलग अलग कर दें, यानी कि ऊपर वाले का स्केयर अलग लिख दें, 1 माइनस कोस थीटा का स्केयर, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का स्केयर, और वो स्केयर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, दोनों सही। क्या किया हमने कि ये जो स्केयर था ये पूरा आंसर हर दोनों का था, तो हमने यहाँ का अलग लगा दिया, हर का अलग। यहाँ आने के बाद क्योंकि हमें यहाँ जाना है, 1 माइनस कोस थीटा 1 जमा कोस थीटा, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ हमारा, 1 माइनस कोस थीटा आया। ये जो नीचे साइन स्केयर है ये तो नहीं है यहाँ, यहाँ तो 1 जमा कोस थीटा है, तो क्या करें, साइन स्केयर को ये चेंज कर देंगे, लिखा हुआ है कि साइन स्केयर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा भी लिख सकते हैं, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा लिख सकते हैं।
सामने आप इसका कारण लिख सकते हैं कि आपने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ कौन सी सर्वसमिका या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया कि साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा बराबर एक होता है, ये पहले वाला ये इस्तेमाल किया, उसकी हमने ये फॉर्म इस्तेमाल कर ली। अब क्या करें, इस एक को आप एक का वर्ग भी लिख सकते हो, नीचे वाले के गुणनखंड कर सकते हैं जी हम, कैसे कि यदि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ऐसा ऐसा कोई आपके पास एक्सप्रेशन है या संख्या है तो उसके दो गुणनखंड होते हैं ए जमा बी और ए माइनस बी, तो इस नीचे वाले के गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो है एक माइनस कोस थीटा का वर्ग, इसके दो गुणनखंड बनेंगे, एक तो बनेगा एक जमा कोस थीटा और एक बनेगा एक माइनस कोस थीटा। एक माइनस कोस थीटा का वर्ग, वर्ग का मतलब दो है ये और ये एक है नीचे, तो ये एक जो है वो कैंसल हो जाएगा तो एक रह जाएगा ऊपर एक माइनस कोस थीटा और नीचे रह जाएगा एक जमा कोस थीटा, और हमें सिद्ध भी क्या करना था यही सिद्ध करके दिखाना था कि ये इसके बराबर होता है, तो बराबर सिद्ध हुआ। कैसे बराबर हुआ, क्योंकि हर जगह बराबर लगा हुआ है कि बराबर बराबर करते करते हम यहाँ पहुंच गए तो, और यही क्या आपकी है, यही है राइट हैंड साइड कि हम कहाँ से शुरू हुए, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुए, कहाँ पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। आप राइट हैंड साइड से शुरू हो सकते हैं यहाँ से और कहाँ पहुंच सकते हैं करते करते इसी तरह उल्टा करके यहाँ आ सकते हैं लास्ट में, तो वो भी सही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर्वसमिका है, सारी सर्वसमिकाएं ऐसे ही करनी है, उनमें ये जो पांच फार्मूले कहें आप संबंध कहें ये आपको याद होने चाहिए, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कहाँ कौन सा किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अगली सर्वसमिका है पांचवें का दूसरा भाग, वो है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना उसमें कि कोस ए बटे में एक जमा साइन ए जमा एक जमा साइन ए बटे कोस ए, और ये किसके बराबर होगा, दो सिकेंट ए के बराबर होगा जी, ये और ये बराबर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बराबर यहाँ लगा हुआ है तो बायां पक्ष ले लेते हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है कोस ए बटे एक जमा साइन ए जमा एक जमा साइन ए बटे कोस ए। जितनी सर्वसमिकाएं आपकी हैं और वो जोड़ घटा की हैं तो जनरली वो जोड़ से ही स्टार्ट होंगी या घटा से, यानी लघुत्तम लेके आगे बढ़ेंगे तो तभी आगे रास्ता बनेगा, तो इसको लघुत्तम लेके जोड़ लें जी, लघुत्तम में क्या आएगा, ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे एक जमा साइन ए साथ में आ जाएगा कोस ए, तो एक जमा साइन ए कट जाएगा कोस ए बचेगा, ऊपर भी कोस ए है तो ये हो जाएगा कोस का स्केयर ए, कोस ए का स्केयर जमा कोस ए कट जाएगा एक जमा साइन ए और ऊपर भी एक जमा साइन ए है तो ये हो जाएगा एक जमा साइन ए का वर्ग। अब क्या करेंगे, अभी हमने इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ लघुत्तम लेके जोड़ा है, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट तक ऐसे लिखते जाना है हर में, तो कोस ए ये जो एक जमा साइन ए का वर्ग है ये खोल लें जी, तो ये हो जाएगा कोस के रे तो है ही है, ए जमा बी का वर्ग होता है ए का वर्ग जमा बी का वर्ग, बी का वर्ग हो जाएगा साइन ए का वर्ग जमा दो ए बी, तो दो एकम दो तो दो साइन ए। अभी भी हमने कोई त्रिकोणमितीय फार्मूला या संबंध इससे इस्तेमाल नहीं किया है। अब क्या करें, ये सारी रकमें जोड़ घटा की हैं तो ये आगे लिख लें कोस के रे जमा साइन के रे जमा एक का वर्ग एक जमा में दो साइन ए और नीचे है आपका एक जमा साइन ए और गुणा में है जी कोस ए। यहाँ पर आने के बाद हम इसका मान रखेंगे जी, यानी कि जो पहली सर्वसमिका या पहला जो फार्मूला हमारा साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा कहीं भी लिखा उसकी जगह हम एक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा साइन स्केयर ए जमा कोस स्केयर ए, तो ये हो जाएगा आपका एक, आगे क्या है जमा एक जमा दो साइन ए
और नीचे आ जाएगा, नीचे पहले बताया आपको नीचे कुछ नहीं करना है लास्ट तक, एक जमा साइन ए गुणा में कोस ए। और यहाँ आने के बाद क्योंकि आपने यहाँ ये इस्तेमाल किया है तो आप सामने लिख सकते हैं क्या इस्तेमाल किया कि साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा बराबर एक, ये हमने इस्तेमाल किया। एक और एक हो जाएगा दो और आगे है दो साइन ए, नीचे है एक जमा साइन ए और गुणा में कोस ए, ऊपर से दो कॉमन ले लें दो, तो यहां एक बचेगा और यहां बचेगा साइन ए और नीचे एक जमा साइन ए और गुणा में हो गया जी कोस ए। तो ये फैक्टर है, गुणनखंड है, यहां भी गुणा है यहां भी गुणा है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है दो बटे कोस ए बचता है। और यहां आने के बाद ये इस्तेमाल करें कौन सा कि एक बटे कोस बराबर होता है सिकेंट, तो ये एक बटे नीचे है ये, तो एक बटे कोस ए को सिकेंट भी लिख सकते हैं, तो दो तो ऊपर पहले से है ही और एक बटे कोस ए हो जाएगा सिकेंट ए, और यही क्या है आपकी, यही है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट से चले, लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए इस्तेमाल करते हुए या जो भी जोड़ घटा इसका। तो ये दूसरी सर्वसमिका, तीसरी है तीसरी सर्वसमिका पांचवें का तीसरा भाग, सिद्ध कीजिए टेंजेंट थीटा बटे एक माइनस कोट थीटा जमा कोट थीटा बटे एक माइनस टेंजेंट थीटा बराबर इसको एक जमा में सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, कि ये भी लिख सकते हैं यानी इन दोनों के मान हमेशा बराबर आएंगे। तो इसमें भी हम क्या लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा बटे एक माइनस कोट थीटा जमा कोट थीटा बटे एक माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये लेके चलेंगे और क्या करें, वैसे तो यहाँ भी लघुत्तम लेके आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करें इनको साइन और कोस में लिख लें जी, क्योंकि ये जो हमें लास्ट में करना है सिकेंट को सिकेंट, ये साइन और कोस के उल्टे होते हैं, तो हम इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम वहां पहुंच पाए। तो टेंजेंट थीटा ये लिखा हुआ है कि इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, और नीचे है कोट थीटा, कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बटे साइन थीटा, जमा ये कोट है तो इसको लिख सकते हैं आप कोस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे एक माइनस टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर। यानी कि अभी हम इन्हीं को ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, बाद में जो है वो फिर जोड़ेंगे, सीधा नहीं जोड़ेंगे, अभी साइन कोस में बदल के फिर जोड़ेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो एक ही संख्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा, नीचे दो है ये, तो नीचे लघुत्तम लेके घटा लें, तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, नीचे यदि आप देखें तो लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा यहाँ गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जमा इसमें है ऊपर कोस थीटा बटे साइन थीटा और नीचे लघुत्तम आ जाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ गुणा हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखें बराबर आ जाएगा इन, अब ये अंश बटे हर जैसे आप अंक गणित में करते हैं चार बटे पांच बटे तीन बटे सात, तो कैसे होता है ये नीचे वाली जो भिन्न हाफ की वे सात बटे तीन उल्ट जाती, तो यहाँ भी हम उसी तरह नीचे वाली संख्या को या इसको उल्टेंगे, तो ऊपर तो है साइन थीटा बटे कोस थीटा और नीचे वाले उल्ट के क्या हो जाएगा कि साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो पहला भाग है। और दूसरे में भी इसी तरह क्या करेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा ये तो ऊपर वाला है गुणा ये उल्ट जाएगा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कितना हुआ देखिए साइन थीटा हो जाएगा साइन स्केयर थीटा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा
नीचे आ जाएगा कोस थीटा गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और अगला जो भाग है, अगला भाग है इसका जमा कोस थीटा हो जाएगा कोस स्केयर थीटा और नीचे साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जी अभी तक हमने क्या किया है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया इनमें से, किया नहीं कहीं से, सिर्फ क्या किया है, सिर्फ एक इस्तेमाल किया था शुरू में कि टेंजेंट को साइन बटे कोस और कोट को कोस बटे साइन लिख के और लघुत्तम आदि लेके किया, तो ये आता है। अब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए लघुत्तम लेंगे, और जब लघुत्तम लेंगे तो ये फैक्टर देखें आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इनमें माइनस का फर्क है। तो आप क्या करें, यहां से माइनस कॉमन लेके इसको माइनस कर दें, और उससे क्या होगा, ये जो साइन थीटा है वो आगे आ जाएगा और कोस थीटा जो है वो पीछे हो जाएगा जी, माइनस कॉमन लेने के बाद। इसका क्या फायदा होगा कि अब इनका जब लघुत्तम लेंगे हम, तो क्या आएगा लघुत्तम, अब कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसमें भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो वो एक से ही काम चल जाएगा आपका, साथ में आ जाएगा साइन थीटा। और ऊपर देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, साइन थीटा बचेगा और ऊपर साइन स्केयर है, तो साइन थीटा साइन स्केयर से गुणा होके कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा जी। और ये माइनस साइन थीटा और ये कट जाएंगे, साइन थीटा और ये कट जाएंगे, कोस थीटा बचेगा और ऊपर है कोस स्केयर, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। तो ये हमने क्या किया है, हमने एलसीएम लेके इनको घटाया है, तो ये आ जाता है। यहां से क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमें पहुंचना क्या है, हाँ। हमें यह पहुंचना है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि एक जमा सिकेंट थीटा को सिकेंट थीटा आएगा जी। ये देखिए कैसे करेंगे, यहां आने के बाद हमें एक गुणनखंड का जो आइडेंटिटी है नाइन्थ में आपने पढ़ी है वो याद होनी चाहिए। वो क्या है कि एक्स की 3 माइनस वाई की 3, ऐसे एक्सप्रेशन के दो गुणनखंड होते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, दो होते हैं। तो हमारे पास ऐसा ही है, ये इसको एक्स मान लें तो ये एक्स की 3 माइनस वाई की 3, तो इसके दो गुणनखंड क्या बनेंगे, एक्स माइनस वाई मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा, एक्स स्केयर मतलब साइन स्केयर थीटा जमा वाई स्केयर, वाई का मतलब कोस स्केयर थीटा, और जमा एक्स वाई यानी दोनों की गुणा अर्थात साइन थीटा कोस थीटा, बटे नीचे है आपका कोस थीटा है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और एक है साइन थीटा, ये वाला। यहां आने के बाद ये एक फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है जी, कैंसिल हो गया, साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा की जगह हम एक लिख सकते हैं, तो ये एक हो जाएगा, तो एक जमा साइन थीटा कोस थीटा और नीचे भी है साइन थीटा कोस थीटा। इसके आप दो भिन्न बना सकते हैं यहां प्लस से, एक तो बना सकते हैं 1/sin θ cos θ और जमा में एक बना सकते हैं sin θ cos θ/sin θ cos θ, यानी अलग अलग कर दीजिए, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप वो आप इस लघुत्तम ले लेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 1/sin θ क्या होता है, ये लिखा हुआ 1/sin θ कि ये तो कोसिकेंट होता है, और 1/cos θ जो है वो सिकेंट थीटा होता है, और यहां साइन से साइन कैंसिल हो गया कोस से कोस, तो ये कितना बच गया आपका जमा एक, और यही आपकी है राइट हैंड साइड। तो ये थोड़ा लंबी सर्वसमिका है, हालांकि लंबा भी इसमें इस्तेमाल तो कम ही होती है, इस फार्मूले तो जोड़ घटा का ही इसमें मेजर पोर्शन है, थोड़ा सा ये बीजगणितीय एक गुणनखंड का जो सर्वसमिका है वो इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद है कि आप इन लोगों को जो है इन सवालों में
जिस तरह से भी हमने किए, जो भी आइडेंटिटीज हमने इस्तेमाल की उनको फॉलो कर पाए होंगे। तो आगे की जो सरल समीकरण हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। हैव ए नाइस डे।